हेलो हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पिनाकल पे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डेली की तरह डिस्कस करते हैं। तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू सबसे पहले। और चलिए, अब एग्ज़ाम का जैसे टाइम भी आ चुका है, एग्ज़ाम भी बहुत पास है, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्लासेस आप स्किप ना करें, डेली इनको रेगुलर अटेंड करें, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है ना, तो बहुत अच्छा एक बेनिफिट है आपके लिए। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्या है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ऑनलाइन आके इन क्लासेस को देख सके। पहला क्वेश्चन ये है कि मानव सेवा पुरस्कार किसकी स्मृति में शुरू किया गया था। मानव सेवा अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, जैसे बच्चों की जो सेवा सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उनके लिए जिनका योगदान बहुत होता है, जिन्होंने बच्चों के फील्ड में काम किया होता है, ठीक है, बाल विकास के लिए प्रोग्राम्स होते हैं जैसे, इस प्रकार से तो उस फील्ड में ये पुरस्कार दिया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो किसकी याद में इस पुरस्कार को शुरू किया गया था, ये इसकी शुरुआत होती है 1994 के अंदर, 1994 में, और किसके सम्मान में इसको शुरू किया गया था, तो राजीव गांधी के ऑनर में इस अवॉर्ड को दिया जाता है, ठीक है। तो मानव सेवा अवॉर्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड इन द मेमोरी ऑफ राजीव गांधी, इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, या आपको बताना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे, जैसे कि श्रीनगर से कौन से इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, सॉरी जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान लगता है, इस साइड में चाइना लगता है, ठीक है। तो उनमें से आपको चूज करना है कि ऐसा कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर पे लोकेटेड है। सिरसा तो हरियाणा में है, ये तो आंसर होगा ही नहीं हमारा बिल्कुल भी। अनंतनाग, करीमगंज या पुरुलिया में से कोई एक आंसर देना पड़ेगा आपको। आंसर होगा इसके लिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, ये बॉर्डर पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोकेटेड है। ये श्रीनगर से 50 किलोमीटर के अराउंड थोड़ा सा दूर है, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा बी, अनंतनाग, इसके लिए हम राइट आंसर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लिक जैकिंग क्या होता है, व्हाट इज क्लिक जैकिंग, ये आपको बताना है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड ये टर्म है क्लिक जैकिंग। इसका मतलब ये होता है कि एक मैलिशियस टेक्निक होती है, एक गोपनीय जानकारी हासिल करने के लिए वेब उपयोगकर्ता को बरगलाने की दुर्भावनापूर्ण टेक्निक होती है। एक मेलिशियस टेक्निक होती है वेब यूजर इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके फ़ोन हैक होते हैं, कंप्यूटर्स लैपटॉप हैक होते हैं और आपके पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो चली जाती है अगले इंसान के पास। ऐसे मतलब जैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे समझाती हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे लिंक होते हैं, आपको फेसबुक पे कोई लिंक आया, आपने उस पर क्लिक किया, जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं वो लिंक होता है, एक फ्रॉड लिंक होता है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आपके फ़ोन की या लैपटॉप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन सब की एक्सेस जो है उसके पास चली जाती है जो इंसान हैक कर रहा होता है। इस प्रकार से हैकिंग होती है। जैसे आपके पास कोई अननोन लिंक आते हैं या ऐसे मैसेजेस आपने देखे होंगे कि इनको स्प्रेड करो, 10 लोगों को सेंड करो, उस लिंक पे क्लिक करो, इस प्रकार के मैसेजेस से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये फ्रॉड लिंक्स होते हैं। इससे आपके फ़ोन की इंफॉर्मेशन जो है उनके पास चली जाती है, जिससे फ़ोन हैकिंग भी होती है। तो क्लिक जैकिंग भी इसी प्रकार का एक टेक्निक है, एक मैलिशियस टेक्निक है, जिससे आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, आपकी गोपनीय जानकारी है, वो जो हैक कर रहा होता है, हैकर के पास चली जाती है, ठीक है। आंसर इसके लिए हम लेंगे ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होता है, क्या है कि निम्न में से किसने तीन भाषा के सूत्र की अनुशंसा की थी। विच ऑफ दी फॉलोइंग रिकमेंड थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, किसने रिकमेंड किया था ये। देखिए थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये कमीशन बनी थी 1964 के अंदर। इसने क्या किया था, जैसे कि आपको सभी को पता है साउथ के जो स्टेट है जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तो वहाँ पे हिंदी बहुत कम यूज है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, या तो इंग्लिश में लोग बात करते हैं या वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें लोग बात करते हैं। तो एक कोठारी कमीशन बनाई थी 1964 में। इस कमीशन ने क्या कहा था, जैसे कि जहाँ पे हिंदी यूज़ नहीं होती, ऐसे जो स्टेट है जो हिंदी का यूज़ नहीं करते हैं, तो उनके लिए जो पहली प्राइमरी लैंग्वेज जो होगी, जिस भाषा में उनको शिक्षा दी जाएगी, प्राइमरी लैंग्वेज हम उसे कहते हैं, प्राथमिक भाषा, वो उनकी रीजनल भाषा होगी, मतलब वो जो लोकल भाषा है उनकी, मदर टंग उनकी हमेशा वही होगी। थ्री लैंग्वेज का मतलब क्या है, एक होगा हिंदी,
हिंदी पूरे भारत में बोल सकते हैं लोग, समझ सकते हैं, बस कुछ स्टेट्स को छोड़ के इंग्लिश भी हर स्टेट में बोली जाती है, समझी जाती है। उसके अलावा जो तीसरी लैंग्वेज है वो ये है कि आपकी रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपकी मदर टंग होनी चाहिए, ठीक है, उसी में आपको शिक्षा दी जानी चाहिए, उसमें आपको एजुकेशन दी जानी चाहिए। जैसे कि पंजाब में कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, उन्हें ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती है, तो उनकी जो शिक्षा दी जानी चाहिए उनको पंजाबी में ही दी जानी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की ये जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बनाया था कोठारी कमीशन ने, 1964 में कमीशन का गठन हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी समिति संबंधित है इससे, तो आंसर हम लेंगे इससे, कोठारी समिति जो है इसका संबंध है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला से। क्लियर है, समझ में आया कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला होता क्या है? आंसर इसके लिए हम लेंगे डी ऑप्शन, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखिए, ओबरा क्या है, ओबरा किसके लिए जाना जाता है, व्हाट इज ओबरा, ओबरा क्या है, कि रिफाइनरी है, बर्ड सेंचुरी है, थर्मल पावर स्टेशन है, क्या है ओबरा से आप क्या समझते हैं? ओबरा एक थर्मल पावर स्टेशन है, कहाँ पे है ये, है वाराणसी के अराउंड है, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये एक थर्मल पावर स्टेशन है जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। आंसर विल बी डी, थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, समझ आया, ऑप्शन डी सही आंसर लेंगे इसके लिए हम। चलिए, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ सकते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एडम्स कोट का संबंध किससे है? एडम्स कोट इज एसोसिएटेड विथ, बिलियार्ड्स खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, चेस है या गोल्फ खेलते हैं, ये है एडम्स कोट, बहुत ही फेमस प्लेयर है, ये है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से है और ये ऑस्ट्रेलियन गोल्फर हैं, गोल्फ खेलते हैं। आंसर इसके लिए हम लेंगे डी, आंसर क्या चूज करोगे, डी गोल्फ, और कौन से देश के प्लेयर हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं, और आंसर इसके लिए हम लेंगे इनका संबंध है गोल्फ से, आंसर डी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह वैज्ञानिक जिसने पहली बार रक्त परिसंचरण के बारे में विस्तार से बताया था, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज, ऐसा एक साइंटिस्ट का नाम बताना है। ब्लड सर्कुलेशन जो खून का दौरा चलता है हमारे शरीर में, हार्ट से लंग्स में, पूरे बॉडी में, तो ये ब्लड सर्कुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? तो ब्लड सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया है विलियम हार्वे ने, आंसर लेंगे हम बी, ऑप्शन बी विलियम हार्वे इसके लिए राइट आंसर होगा, ठीक है। ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी देखिए, ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जनक कहते हैं, क्लियर है। इन्होंने पी के ऊपर, मटर जो होता है, मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और मटर का आपसे एग्जाम में साइंटिफिक नेम पूछते हैं, मटर का साइंटिफिक नेम है पाइजम सैटाइवम, ठीक है, ये आपको दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो आपको याद करने हैं, क्लियर है। विलियम हार्वे इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोलकाता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन कब खोली गई थी, द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिटवीन कैलकाता एंड आगरा वॉज ओपन इन, कौन से वर्ष में पहली टेलीग्राफ की लाइन खोली गई थी। देखिए टेलीग्राफ, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत किसने की थी। भारत में टेलीग्राफ हो या भारत में रेलवे की बात हो या पोस्टल स्टैम्प की बात हो, इन तीनों की शुरुआत भारत में जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। लॉर्ड डलहौजी को भारत, आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने रेलवे की स्थापना की, पोस्टल स्टैम्प की, और टेलीग्राफ की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। तो पहली टेलीग्राफ लाइन किस किस के बीच में हुई थी, कलकत्ता और आगरा के बीच में, और कौन से वर्ष में, तो 1851 ईयर आपको याद करना है, 1851 के अंदर खोली गई थी, ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, हीट रेसिस्टेंस वैरायटी ऑफ ग्लास इज, कांच की गर्मी प्रतिरोध किसमें है, सब पूछा ये गया है कि ऐसा कौन सा ग्लास है जिसमें आप कितनी ऊष्मा डालो, कितनी हीट डालो, कितना ही गर्म करो, फिर भी वो पिघलता नहीं है, बहुत ही मजबूत रहता है, हीट रेसिस्टेंट उसे कहते हैं। कौन सा ऐसा ग्लास है, इसमें से आंसर हम लेंगे इसके लिए फ्लिंट ग्लास, चकमक ग्लास। ये देखिए फ्लिंट ग्लास जो होता है वो इतना हार्ड होता है, इतना हीट रेसिस्टेंट होता है कि इस पे कितने ही टेम्परेचर आप अप्लाई करो, हीट अप्लाई करो, तो वो है पिघलता नहीं है, ठीक है, इतना हीट रेसिस्टेंट हम उसको कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लिंट ग्लास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में साम्यवाद के प्रेरक थे, द पायोनियर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया वॉज, श्रीपद अमृत डांगे, मुकुंद राम राव, मानवेंद्र नाथ या नलिन गुप्ता। सही आंसर बताना है आपको। कम्युनिज्म जिसे साम्यवाद कहते हैं, तो कम्युनिज्म के जो प्रेरक थे, पायनियर थे, वो कौन थे इंडिया के अंदर, ये इस क्वेश्चन आपको बताना है। श्रीपद होगा सही आंसर, बताइए क्या होगा आंसर। होगा पायोनियर जो थे उनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय। ऑप्शन सी इसके लिए हम सही आंसर लेंगे, ठीक है। या आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ मिग इंजन बनता है, वेयर आर मिग इंजन्स असेंबल्ड। मिग इंजन्स देखिए कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, ये डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं। तो डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो कौन सी कंपनी बनाती है, वो कंपनी बनाती है HAL। HAL कंपनी क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी है जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं भारत के, ठीक है। इंजन्स वगैरह बनाना, ये सब काम होता है HAL के द्वारा किया जाता है। तो HAL की जो फैक्ट्री आप कह सकते हो कि जितना भी सारा बनाने का काम होता है, वो कहाँ होता है, वो होता है ओडिशा स्टेट के अंदर। ओडिशा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है कोरापुट। ऑप्शन ए इसके लिए सही होंगे होगा। कोरापुट के अंदर ही जो मिग इंजन्स है वो सब बनते हैं। कौन सी कंपनी बनाती है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये है बार बॉडी इज फाउंड इन, बर बॉडी या बार बॉडी आप इसे कह सकते हैं, कहाँ पाया जाता है, ये बेसिकली क्या होता है। बार बॉडी देखिए क्या चीज़ क्या होती है, इस प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है, इसे कहते हैं बर बॉडी। बर बॉडी बेसिकली क्या होती है, पहली बात ये देखो, ये सिर्फ फीमेल्स में पाई जाती है, मतलब मेल में नहीं पाई जाती है। फीमेल के अंदर भी ये क्या होता है, आपने एक्स और वाई क्रोमोसोम का नाम सुना होगा, तो ये पाई जाती है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में भी ये कैसी होती है, ये होती है इनएक्टिव, मतलब बस ऐसे ही पड़ी रहती है, इतना इसका कुछ काम वाम नहीं होता, तो इनएक्टिव होती है। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे कि ये फीमेल की के अंदर पाई जाती है, फीमेल की सोमेटिक सेल्स में पाई जाती है, और ये इनएक्टिव क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है, ये हम इसके बारे में कहेंगे, ठीक है। और ये मेल्स के अंदर नहीं पाई जाती, इट इज़ ओनली फाउंड इन फीमेल्स, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्या करती है, ये किन, अब देखो ये पाई तो जाती है, अभी किसके अंदर पाई जाती है। आप सभी को पता होगा जो सेक्स का जो डिटर्मिनेशन होता है, मेल फीमेल कैसे बनेगा, वो या तो एक्स एक्स से होता है या एक्स वाई से होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है जहाँ पे जो ये एक्स है ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव का मतलब इसका कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे एक्स तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जीरो लगा लो या कुछ भी मत लगाओ, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स होगा। एक्स वाई के केस में यहाँ पे सिर्फ वाई हो जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो किससे होता है, या तो जेड से होगा वहां पे या डब्ल्यू से होगा, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बर बॉडी प्रेजेंट होती है, इसका मतलब वहां पे एक एक्स गायब है, तो एक एक्स गायब होगा वहां पे, तो वहां पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगी, वो कौन डिसाइड करता है, जेड डिसाइड करेगा डब्ल्यू। तो वहां पे देखो कैसे होता है, एक्स एक्स है, एक एक्स गायब मान लो इसमें से, तो एक्स वहां पे डब्ल्यू बन जाएगा, या एक्स जेड वहाँ पे बन जाएगा, जेड जेड डब्ल्यू बन जाएगा, जेड डब्ल्यू बन जाएगा। इस प्रकार से वहाँ पे मेल या फीमेल का जो है डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, समझ में आया। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ कि बर बॉडी कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है फीमेल्स के अंदर, फीमेल के सोमेटिक सेल्स के अंदर, क्लियर है। फीमेल देखते ही आप इसको सही आंसर ठीक कर देंगे, ऑप्शन सी क्लियर सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन पनामा की सीमा से नहीं मिलता है, बताइए। पनामा जो कैनाल है, आप सभी को पता है पनामा कैनाल कहाँ पे है, ये है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ आता है, ठीक है। तो पनामा कैनाल से कौन सा पूछा गया है, कौन सीमा नहीं बनाता है, जल्दी से आंसर करके बता दीजिए मुझे, पनामा कैनाल से कौन सीमा नहीं बनाएगा। आंसर इसके लिए हम लेंगे, देखो पहले ये देखो पनामा कैनाल, पनामा नहर जो है वो किस किस को जोड़ने का काम करती है, पहले तो ये देख लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अटलांटिक ओशन को जोड़ती है वो पैसिफिक ओशन के साथ, पहला आंसर क्लियर हो गया हमारा जो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात,
आंसर इसके लिए हम लेंगे वेनेजुएला। वेनेजुएला नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कहीं बीच में लाई करती है, ठीक है, और ये टच नहीं करती है पनामा कैनाल को। कोस्टरिका, पैसिफिक ओशन और कोलंबिया, ये तीनों टच करते हैं, लेकिन वेनेजुएला वहाँ पे टच नहीं करता है, ठीक है। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय के किस हिस्से का पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम खिंचाव है? विच पार्ट ऑफ हिमालयाज हैज द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? बताइए जल्दी से। कुमाऊं, असम, पंजाब या नेपाल? ईस्ट से लेके, पूर्व से लेके पश्चिम तक विस्तार कहाँ से है? देखिए बताइए, सोचिए। आंसर इसके लिए होगा हमारा नेपाल हिमालयाज, सही आंसर होगा। जो नेपाल के नेपाल हिमालयाज, देखिए आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं नेपाल वाला रीजन, तो ईस्ट से लेके पूरा वेस्ट तक इस प्रकार से हिमालय जो है रेंजेस के अंदर फैला हुआ है, जिसे हम कहेंगे नेपाल हिमालयाज, ठीक है। आंसर क्या लेंगे हम? नेपाल हिमालयाज। अगला क्वेश्चन ये है कि फोरेमन मैग्नम इज एन अपर्चर फाउंड इन, फोरेमन मैग्नम एक छेद होता है जो किस में पाया जाता है? देखिए ये इस प्रकार का एक होल सा होता है जो आप देख रहे हैं, ये होता है फोरेमन मैग्नम। ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो ब्रेन ब्रेन में जिसे आप खोपड़ी कहते हैं ना, आपकी जो पूरी वाली जो ये आप देख पा रहे हैं, इसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में इसे हम क्रेनियम कहते हैं और हिंदी में हम इसे खोपड़ी कहते हैं। तो क्रेनियम जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा जो लेयर है ये आपकी खोपड़ी है, ये क्रेनियम है। इसके अंदर एक इस प्रकार का एक होल होता है, एक छेद होता है, जिसे हम फोरामन मैग्नम कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज फाउंड इन स्कल। ये कहाँ पाया जाता है? आपके स्कल में पाया जाता है, और स्कल की जो बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम क्रेनियम कहते हैं। ये क्रेनियम के अंदर स्कल खोपड़ी जो है उसकी जो बाहर की परत होती है उसे हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? आंसर इसके लिए हम लेंगे स्कल, या वहाँ पे ब्रेन का भी कुछ ऐसा ऑप्शन होता तो आप वही लेते, ठीक है। तो ये संबंधित है ब्रेन से आपकी, ठीक है। अर्लिएस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स वर एट, आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां थी, बताइए। आर्य जनजातियों की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ पे थी? तो इनका जो सेटलमेंट है आर्यंस का, ये कब था? ये 1500 BC के अराउंड था, ठीक है। तो जिस एरिया में ये लोग रहते थे उस एरिया को ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना जाता था, और वहां पे जो आर्यवर्त नाम आपने सुना होगा वो भी आर्यंस की वजह से आर्यवर्त नाम भी दिया गया है। तो इनका जो सेटलमेंट था वो कहाँ पे है? वो है सप्त सिंधु। ऑप्शन सी हम इसके लिए सही आंसर लेंगे, सप्त सिंधु राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति क्या है? कौन सी रैंकिंग है इंडियन रेलवे की पूरे वर्ल्ड में? तो सबसे पहले जो सबसे लंबी रेलवे नेटवर्क है वो है अमेरिका, अमेरिका के बाद आता है चाइना, चाइना के बाद आता है रशिया, और रशिया के बाद आता है इंडिया। तो इंडिया की जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में वो है 4th नंबर पे। सबसे पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर रशिया, आफ्टर दैट इंडिया, ठीक है। तो हमसे कोई हमारी रैंकिंग पूछेगा पोजीशन, तो आंसर होगा ऑप्शन सी 4th, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? अब एक चीज़ और देखो, एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था कि 10th नंबर पे सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क कौन सी कंट्री का है? तो इसके लिए आंसर होगा आपका ब्राज़ील का 10वें नंबर पे हाईएस्ट नेटवर्क। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि 10वें नंबर पे कौन सा बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो आंसर होगा ब्राज़ील। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के हताहत होने के बारे में तथा युद्ध के त्याग करने का उल्लेख किया है? कलिंगा वॉर जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था? इस वॉर में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए थे, मास किलिंग हुई थी इसमें। इसके बाद क्या हुआ कि जो अशोक थे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हम मुझे नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलना है, मुझे वायलेंस जो हिंसा का रास्ता है वो छोड़ना है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग मारे गए थे कि इनको खुद से ही रिग्रेट हो रहा था कि ये क्या हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायलेंस का रास्ता छोड़ के, हिंसा का पथ छोड़ के, इन्होंने अहिंसा को स्वीकार किया और इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है एक्सेप्ट किया। इसी युद्ध के बाद क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया, कौन से युद्ध के बाद? तो कलिंग वॉर जो हुआ था उसके बाद उन्हें काफी रिग्रेट हुआ, उसके बाद उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म का फिर बाद में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो कौन से रोक एडिक्ट पे ऐसा लिखा है, कौन से शिला लेख पे, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है रोक एडिक्ट, ऑप्शन बी। देखिए
रोक एडिक्ट जो 13th है उस पे मेंशन है कलिंग वॉर के बारे में, ठीक है। इस वॉर के बाद से ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय, कृमि खाद बनाई जाती है, वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा बनाई जाती है। देखिए वर्मी कंपोस्टिंग कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होती है, जो आपके घर में कचरा वगैरह होता है हम क्या करते हैं डस्टबिन में डालते हैं, इस प्रकार का डस्टबिन आपने भरा हुआ देखा होगा। डस्टबिन के बाद क्या होता है, उसमें वॉर्म्स छोड़े जाते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उसमें छोड़े जाते हैं, तो वॉर्म्स क्या करते हैं उसको खाद में बना देते हैं। तो खाद बनाने की जो प्रक्रिया है वो हम अगर हम कीड़े मकोड़े के द्वारा यूज़ करते हैं, वॉर्म्स के द्वारा हम करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन सी कीड़े इसके लिए वॉर्म्स राइट आंसर होगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। अगला क्वेश्चन ये है कि किसने भारत में पार्टी रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव दिया था, हु हैड प्रपोज पार्टी लेस डेमोक्रेसी इन इंडिया। आंसर इसके लिए हम लेंगे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि भारत में पार्टी रहित लोकतंत्र होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक भी थे। 1999 के अंदर भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया इनके मरणोपरांत, ठीक है, और इनको काफी और मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्टेटमेंट आपको दी गई है, स्टेटमेंट बताना है कि किसके द्वारा कही गई है। स्टेटमेंट ये है कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है, और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, वह जो खुद को हिटलर के लिए समर्पित करता है और वह खुद को जर्मनी के लिए भी समर्पित करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। एडोल्फ हिटलर आप सभी को पता होगा जर्मनी के शासक थे, ठीक है। इनकी पार्टी का नाम था नाजी, नाजी पार्टी से संबंध रखते थे, और ये कथन जो है वो कहा गया है रुडोल्फ हेस के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है, रुडोल्फ हेस ने इस कथन को कहा है। ऑप्शन ए इसके लिए हम राइट आंसर लेंगे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एट विच प्लेस इन बंगाल वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी गिव परमिशन टू ट्रेड एंड बिल्ड अ फैक्ट्री बाय द मुगल्स इन 1651। 1651 में क्या हुआ, मुगलों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस स्थान पर व्यापार करने और कारखाना बनाने की अनुमति दी गई थी। बंगाल में ये जगह है जिसका नाम है कासिम बाजार, ऑप्शन बी। इस जगह पे 1651 में इनको मंजूरी दी गई थी फैक्ट्री कारखाने लगाने की, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हम लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्विन फिंचिस रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ, डार्विन फिंचिस किस समूह वो सबसे को संदर्भित करता है। डार्विन फिंचिस है क्या बेसिकली, देखिए डार्विन फिंचेस को जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को जनक कहते हैं इवोल्यूशन का। चार्ल्स डार्विन ने कैसे खोज की इवोल्यूशन की, उन्होंने क्या किया, एक बर्ड्स होती है जिनका नाम है डार्विन फिंचिस, तो उन्होंने अपने नाम पे ही इन बर्ड्स का नाम रख दिया डार्विन फिंचिस। इनकी 15 स्पीशीज पाई जाती हैं, तो उन्होंने 15 की 15 इनकी जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग आइलैंड पे छोड़ दी, और उन्होंने ये सोचा कि अलग अलग आइलैंड पे एटमोसफेयर अलग होगा, जगह अलग होगी, तो देखते हैं कि ये किस प्रकार से अपने आप को अडेप्ट कर पाती हैं, ठीक है। तो अलग अलग आइलैंड पे खाने पीने की चीज़ें अलग थी, तो इन्होंने क्या पाया कि किसी की चोंच जो है छोटी डेवलप हो गई है, किसी की चोंच बड़ी हो गई है, किसी की मुड़ गई है, इस प्रकार से उन्होंने चेंजेस पाया। तो उन्होंने ये यहाँ से कॉन्सेप्ट किया कि इवोल्यूशन जो है वो किस प्रकार से होता है, कि आप जब किसी एक नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, नई जगह पर रहने जाते हैं, उस जगह के अकॉर्डिंग जब आप अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी से आपका विकास होता है। इस थ्योरी को हम कहते हैं एडेप्टेशन। क्या कहते हैं इसे, हम एडेप्टेशन भी कहते हैं, कि आप अपने आप को किस प्रकार से अडेप्ट कर लेते हो नई जगह के अकॉर्डिंग, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से समझो, मान लीजिए कुछ लोग गांव में रहते हैं, गांव में बेसिकली लोग कितने बजे तक सो जाते हैं, सर्दी के टाइम पर 8, 9, 10 बजे तक सो जाते हैं मोस्टली। लेकिन आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं, जैसे मुंबई दिल्ली जैसी सिटी में रहते हैं, वहाँ पे लोग कितने बजे तक सोते हैं, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो कब तक होगी, रात के 10, 11 बजे तक, 12, 1 बजे तक। तो इसे कहते हैं एडेप्टेशन, कि आप अपने आप को ढाल लेते हैं किसी जगह के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही, इसे ही हम इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अब आ जाओ क्वेश्चन पे कि डार्विन फिंचीज जो है वो क्या है, वो बर्ड्स है पक्षियां हैं, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड द साउथ पोल,
दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिण ध्रुव साउथ पोल खोज हुई थी 1911 के अंदर, इसकी खोज की थी एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थे, नॉर्वेजियन कंट्री के एक एक्सप्लोरर थे, वो मिशन के ऊपर थे और उन्होंने 1911 में खोज की है किसकी, साउथ पोल के। आंसर होगा एमुंडसेन, ऑप्शन बी सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सुपरसोनिक जेट कॉजेज पोल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ, सुपरसोनिक जेट के प्रदूषण के द्वारा कौन सी परत पतली हो जाती है? सुपरसोनिक से आप क्या समझते हैं? सुपरसोनिक का मतलब ये होता है कि ऐसे जेट, ऐसे प्लेन जिनकी स्पीड जो है वो साउंड से भी ज़्यादा होती है, उन्हें हम सुपरसोनिक जेट प्लेन्स कहते हैं। इतनी तेज स्पीड इनकी होती है कि साउंड की स्पीड ध्वनि की स्पीड से भी अधिक इनकी स्पीड होती है। तो सुपरसोनिक जेट जो है वो क्या करते हैं, वो पोल्यूशन करते हैं, पोल्यूशन में वो ऑक्साइड्स निकालते हैं, और जो ऑक्साइड्स होती है वो किसको डिप्लीट करती हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। ओजोन लेयर जो है वो हमें सूर्य से जो हानिकारक यूवी रेज आती हैं उनसे बचाती हैं, ठीक है। अब देखो ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है एटमोसफेयर में, ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक परत होती है जिसको कहते हैं ओजोन लेयर, O3 लेयर कहते हैं, और ये हमें सूर्य से जो हानिकारक किरणें आती हैं यूवी रेडिएशन उनसे बचाती है। साथ में जो यहाँ से धुआं निकलता है इनसे सुपरसोनिक जेट प्लेन से, तो उससे ये परत जो है वो पतली होती जाती है, ठीक है। आंसर ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें अधिक होती है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पौधों में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उनकी, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। बहुत सिंपल से डेफिनेशन है, फोटोसिंथेसिस के अंदर वो क्या बनाते हैं, C6H12O6, इसे कहते हैं हम ग्लूकोज। तो उनका जो भोजन होता है वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सा पिगमेंट यूज होता है, तो वो पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल यूज होता है। क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट की कौन सी परत में पाया जाता है, तो परत भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो थाइलेकोइड नाम से एक मेम्ब्रेन होती है, थाइलेकोइड, उस मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, क्लियर, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो सबसे अधिक होता है ब्लू लाइट के अंदर, नीले प्रकाश के अंदर सबसे अधिक इसके रेट पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीपल एक्शन पार्टी इज द पार्टी ऑफ, पीपल एक्शन पार्टी कहाँ की पार्टी है? इस पार्टी की स्थापना होती है 1954 में, जैसे भारत में भाजपा है, कांग्रेस है, इस प्रकार की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, वैसे ही जो पीपल एक्शन पार्टी है वो कहाँ पे है, वो है सिंगापुर। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर देंगे, जिसकी स्थापना होती है 1954 के अंदर, क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वीडन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? स्वीडन पार्लियामेंट इज नोन एज, बताइए, स्वीडन की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है रिक्सडैग। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैं आपको करवा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तो स्वीडन की पार्लियामेंट का नाम है रिक्सडैग, क्लियर, तो आंसर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, लकड़ी किसका साधारण नाम है? वुड इज अ कॉमन नेम ऑफ, लकड़ी का आपने सुना होगा, लकड़ी का नाम लकड़ी होता है, लेकिन बट बायोलॉजिकली हम बात करें, साइंटिफिकली अगर मैं बात करूँ, तो इसे कहा जाता है सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन ए। देखो जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, पानी के जो पौधे जो होते हैं उनमें क्या होता है, पानी होता है और उनका जो भोजन होता है वो सब होता है, तो पानी का ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन करता है, जाइलम करता है। जाइलम किसका कंडक्शन करता है, पानी का, वाटर का कंडक्शन करता है। अब पानी तो मिल गया पौधे को, लेकिन अब जो खाना है, जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, लीव्स के अंदर होती है, लीफ पत्तियों में होती है। अब पत्तियों से पूरे प्लांट्स के अंदर वो भोजन कैसे फैलाया जाएगा, वो होता है फ्लोएम के द्वारा। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। अब वुड किसका साधारण नाम है, सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए, द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है? ईस्ट है, एसिटोबैक्टर है, अमीबा है, बताइए सही जवाब क्या होगा। आंसर होगा बिगेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं जिसके अंदर एक सेल पाई जाती है। इसका आंसर होगा यहाँ पे अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके साथ साथ एग्जांपल याद रखो ई कोलाई का। ई कोलाई के बाद पैरामीशियम का भी आप एग्जांपल याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। कैल्प क्या है? कैल्प या सिवार आप कह सकते हैं। सिवार या कैल्प क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है? देखिए, ये पानी के नीचे जो पानी की सतह होती है वहां पे इस प्रकार के कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं जो आप देख पा रहे हैं। ये होते हैं सी वीड रिच इन आयोडीन कंटेंट। ये समुद्री शैवाल होते हैं जो इनमें आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो आयोडीन की कंटेंट जो है इनमें सबसे अधिक पाया जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, इस प्रकार से नजर आते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन ये है, क्रिस्कोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाय। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एस एन बोस, पी सी रॉय, जे सी बोस या पी सी महलनोबिस। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। क्रिस्कोग्राफ किसको मापता है, पहले ये पता होना चाहिए। ये प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ इन प्लांट्स को मेजर करता है क्रिस्कोग्राफ। इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जेसी बोस। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा, जेसी बोस आपको याद करना है। और क्रिस्कोग्राफ करता क्या है, ये पौधों के अंदर जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, उसको मापता है। ठीक है, ग्रोथ इन प्लांट्स, क्रिस्कोग्राफ। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे आज के कुछ क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, कल दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पे और कुछ नए क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो डेली इसी क्लास इसी टाइम पे बनी रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।